सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर कानून के तलबा सराहपा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले दाखिले किए फिर कानून बदल दिया, अब दाखिले वापस किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, क्वैक्स क्रिएट किए जा रहे। मुझे अंदेशा है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आने वाले तरबियत हासिल करके, तालीम हासिल करके जो डॉक्टर्स बनेंगे, शायद वो इस काबिल होंगे कि मेरा इलाज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर भारी जिम्मेदारियां हैं, कौम की खिदमत के लिए 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। निजी अस्पताल डॉक्टर्स नहीं अताई बना रहे हैं, सब जानते हैं कि दाखिलों के लिए पैसा चलता है। किसी एक अस्पताल को नहीं चलाया, इंतजामी मामलात में मुदाखलत भी नहीं की। जहां कमजोरियां और खामियां थी वहां मुदाखलत जरूर की। चीफ जस्टिस का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन से खताब। तजावुजात के खिलाफ हर सरकारी इदारा मुतहरिक। LDA मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाद वॉल्ट सिटी अथॉरिटी का अंदरून शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन। 8 मंजिला गैर कानूनी प्लाजे की मिसमारी शुरू कर दी गई। प्लाजा सरकारी अराजी पर तामीर किया गया, मिसमारी में 10 रोज लगेंगे। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी। बल्दिया उस्मा सालाना रेवेन्यू टारगेट पूरा करने में नाकाम, कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 90 करोड़ के बजाय 57 करोड़ ही इकट्ठे हो सके। वासा समेत अहम इदारे मेट्रोपॉलिटन के नादहिंदा। काम काम और फिर काम, मिल नहीं रहा था आराम। पुलिस एहलकारों की अब सुनी गई, 6 माह बाद हफ्तावार छुट्टी फिर बहाल हो गई। एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे में मोहम्मद आफ्ताब अकबर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। वफाकी वजीर को रेलवे के मामलात से आगाह किया। शहर में ठंडी ठंडी हवाएं, सर्दी ने अपना आप दिखा दिया। धुंध के भी डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से M2 मोटरवे लाहौर से पिंडी भटिया तक 12 घंटे बंद रही। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त। मोटरवे पुलिस को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और काफिलों की सूरत में सफर करने की हदायत। धुंध में फजाई रास्ते भी गुम। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 500 मीटर रह जाने से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 10 डोमेस्टिक परवाजें उड़ान ही ना भर सकी। 9 ताखीर का शिकार, मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए। ट्रेनों की आमद और रवानगी में भी ताखीर। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे लेट। गैस बंद, LPG महंगी, CNG भी नहीं, बिजली का आना जाना भी जारी है। तवानाई बहरान ने ऐसा सर उठाया कि निजाम जिंदगी मफरूज होकर रह गया। बिजली की लोड शेडिंग से घरों में अंधेरे और गैस गायब होने से चूल्हे ही ठंडे पड़ गए। CNG स्टेशन पर भी ठंड पड़ गई। 10 जनवरी तक मिलना बंद, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गयी। कीमतें कम हुई, ना ही LPG माफिया को नकेल डाली जा सकी। अवामी रिक्शा यूनियन एक बार फिर से सरापा एहतजाज। रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज, बिजली की बार बार बंदिश से तंग। धर्मपुरा के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। गर्मी नहीं फिर भी बिजली गायब है, मामूलाते जिंदगी तबाह होकर रह गए। मुजाहिरीन की दुहाई। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट हॉल रोड में सर्वर सेंटर की पहली मंजिल में आतिशजदगी। आग मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में लगी और देखते ही देखते भड़क उठी। इमदादी टीमों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला, HEC की तहकीकात मुकम्मल। हायर एजुकेशन कमीशन ने शहजाद सलीम की डिग्री को दुरुस्त करार दे दिया। शहजाद सलीम ने MSc की डिग्री 2002 में ली, 100% दुरुस्त है। तर्जुमान HEC डिग्री की तस्दीक शुदा कॉपी लाहौर न्यूज़ पर।
अल्हम्ब्रा हॉल में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का चौथा कॉन्वोकेशन, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 220 तलबा को डिग्रियों, मेडल्स और दीगर इनामात से नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का 127वां कॉन्वोकेशन, वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद, रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद खान और तलबा की शिरकत। 1419 तलबा और तालिबात ने डिग्रियां और मेडल तकसीम किए गए। पाकिस्तान आओ, अदालतों के केस निपटाओ और अपनी एयरलाइन चलाओ। CAA ने दिवालिया होने वाली शाहीन एयर को फजाई ऑपरेशन शुरू करने की मशरूत इजाजत दे दी। अमले को वाजिबात की अदायगी के बाद ही फजाई रिलीफ दिया जा सकेगा। शाहीन एयर की इंतजामिया की दरखास्त पर सिविल एविएशन का जवाब। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेजा कर दी गई। सदारती निशिस्त पर 3 उम्मीदवार, सेक्रेटरी के लिए 8, नायब सदर के लिए 10, ज्वाइंट सेक्रेटरी के निशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इंतखाबात का मैदान 12 जनवरी को सजेगा। कानून को खातिर में ना लाने वालों के E-challan, गुज़िश्ता 3 माह में 4 लाख से ज़ायद E-challan किए गए, 55 मिलियन रुपए से ज़ायद जुर्माने भी हुए, 10,000 से ज़ायद चालान घरों में भिजवाए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। और पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में स्पोर्ट्स डे में आज फिर जबरदस्त मुकाबले, पुलिस के नौजवानों ने खूब दाव पेश लगाए।